नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में चुनावी चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, विधानसभा चुनाव सर पर है और लगातार तैयारियों का दौर भी जारी है। ऐसे में दावेदारों की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, लगातार ऐसा देखने में आ रहा है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 67 लोगों ने दावेदारी के लिए अपने आवेदन दिए हैं, उनमें से एक हमारे इरफान भाई। तो अब थोड़ा सा परिचय मैं खुद उनका देना चाहूंगी, उनका तारुफ कराना चाहूंगी। इरफान भाई बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और राजनीति मानो इनके खून में है। राजनीति के लोगों से इनकी जो जान पहचान है वो पुरखों से चली आ रही है, मैंने खुद ही बचपन में देखा भी है। तो सबसे पहले हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं चुनावी चर्चा के इस एपिसोड में। तो इरफान खान सर, आपका हमारे स्टूडियो में चुनावी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। चुनावी चर्चा हम शुरू करने के पहले आपका थोड़ा सा राजनीतिक करियर आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। आपका राजनीतिक करियर कब से शुरू हुआ, कब सक्रिय हुए, बताएंगे? देखिए, पारिवारिक दृष्टि से मैं हमारी जो पीढ़ियों से हम लोग जो है कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मेरे स्वर्गीय दादाजी 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको अटेंड किया। हमारी जो दादी थी स्वर्गीय बेगम बाई, वो भी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय महिला थी, काफ़ी नाम था उनका शहर में। फिर मैं खुद जो है पढ़ाई के बाद, अपनी सारी एजुकेशन के बाद जब मैं बिज़नेस में लगा, तो मुझे समझ में आया कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा आधार कोई होता नहीं। तो मैंने 2008 में माननीय मोतीलाल वोरा जी के जन्मदिन के दिन मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली। मैंने 2008 के चुनाव में अरुण वोरा जी के लिए काम किया। 2014 में मुझे फिर पहली बार जिला महासचिव बनाया गया। 2017 में मुझे माननीय गृहमंत्री और तत्कालीन सांसद तामदास साहू जी ने मुझे प्रदेश प्रतिनिधि बनाया। 2018 में मैं भूपेश बघेल जी के कार्यकारिणी में जो बॉडी बनी, कांग्रेस की बॉडी बनी, उसमें मैं पहली बार प्रदेश सचिव बना। फिर मैं 2022 में बना फिर पीसीसी डेलीगेट, और अभी 23 में मैं फिर से पुनः प्रदेश सचिव बना हूँ। तो लगातार इस बीच में चाहे वो चुनावी समर हो, चाहे वो संगठन के काम हो, चाहे जिले के हों, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे वो प्रदेश के बाहर भी, चाहे DRO बन के मुझे अरुणाचल जाने का मौका मिला, तो लगातार हम लोग जो हैं संगठन में काम करते आए। 2008 से समझ लीजिए आज 15 साल से मैं लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। अलग अलग पदों में अलग अलग जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई, और मुझे खुशी इस बात की है कि एक बार जिम्मेदारी मिलना अलग बात है, पर अगर दोबारा मुझे बनाया जा रहा है, दोबारा मुझे वो जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इससे मुझे ये एहसास होता है कि वो विश्वास मैं उनका कायम रख पाया, मैं अपने सकारात्मक योगदान से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कुछ कर पाया। तो ये विश्वास के साथ मैं आगे भी काम करता रहूँगा। ये मेरी राजनीति का मेरा जो है आज तक का सफ़र चलता रहा। इस दौरान हमने आपको तो बधाई देना थोड़ा मिस ही कर दिया, तो पुनः आपको प्रदेश सचिव बनाए जाने पर हमारे ग्रैंड एशियन की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारी चर्चाओं का दौर शुरू रहेगा। आपने अपने क्षेत्र में अपने सेवा कार्य को दर्शाते हुए काफी अच्छे काम किए हैं। अभी दावेदारी के लिए आपने 67 उम्मीद दावेदारों में आपका भी एक नाम है जी। क्या लगता है आपको कि पार्टी का जो विश्वास है आप पर खरा उतरेगा? चुनावी चर्चा में फिर हम शुरू करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा का जो ये सीट है, ये जो एरिया है, काफी घमासान देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये घमासान दिख रहा है, इसका मतलब लोगों के अंदर ये विश्वास है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है और यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगी उसके जीतने की चांसेस ज़्यादा है। शुरू से ये सोचने में आया है लोगों को, एक विश्वास या लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन बैठा हुआ है कि BJP और RSS जो है वैशाली नगर में मजबूत हैं। पर पिछले 5 साल में जिस तरीके से भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से नगर निगम में और हमारे लोकल सेल गवर्नमेंट में काम हुए हैं, जिस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, उससे एक पहली बार ये भावना लोगों के अंदर आई है कि अब जो है कांग्रेस यहाँ पे मजबूत है और कांग्रेस की टिकट में जिसको टिकट मिलेगी वो यहाँ से जीतने की उसकी गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। तो पहली बात तो 67 लोगों ने ये जो दावेदारी की है, इससे ही पता चलता है कि जीतने की गुंजाइश इस क्षेत्र से अब कांग्रेस की ज़्यादा हो गई है पहले से। दूसरी बात, दावेदारी करना स्वतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है, दावेदारी सबको करना चाहिए। फिर यह शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। वैसे मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने जब अपनी दावेदारी पेश की, तो मैंने ये कहा उनसे कि हम सब जो हैं कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और हम में से किसी एक को आपको यहाँ का लीडर बनाना है भविष्य के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र से कैसे भविष्य के लिए अपने लीडरशिप को तैयार करना चाहता है, इसको देखते हुए
ये डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने अपनी दावेदारी की है, उसके पीछे आधार है, मेरे अपने काम है, मेरे अपना व्यवहार है, मेरे के लोगों के समाज में जो लोगों के साथ मेरे संबंध हैं उस आधार पे मैंने काम दावेदारी की है। और ऐसी अलग अलग आधार पे अपने अपने लोगों ने सब ने दावेदारी की है। जिसको शीर्ष नेतृत्व मौका देगा वो चुनाव लड़ेगा और हम लोग मिलकर उसको जिताएंगे, कांग्रेस की यहाँ पे जीत सुनिश्चित करेंगे। वैशाली नगर का जो ये क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी इसको ऐसा लोगों में चर्चाओं का भी वो रहता है कि भाजपा का गढ़ है, ऐसे में कांग्रेस का एक भी स्थापित चेहरा जो है उभर कर सामने नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, स्थापित चेहरे रहे हैं शुरू से। अब देखिए, स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी का जाना, उनका नहीं रहना, वो एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, यहाँ पे विधायक रहे हैं, पहले साडा अध्यक्ष रहे हैं। और अगर देखा जाए कि कांग्रेस का बीजेपी का गढ़ रहा है तो यहाँ पे नगर निगम में यहाँ पे हमारे पार्षद कितने आप देख लीजिए, MIC कितने वो देख लीजिए। तो ऐसा है कि वो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार के आने के बाद जिस तरीके से जन सुविधाओं को देखते हुए जिस तरीके से कार्यक्रम बनाए गए, जिस तरीके से योजनाएं बनाई गई और जिस तरीके से क्षेत्र का फायदा हुआ है, वो समीकरण बदल गया है। तो ये तो फैक्ट है, आपने जो कहा मैंने उसको पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की लीडरशिप कांग्रेस को डेवलप करनी है भविष्य के लिए, ये कांग्रेस तय करेगी। उसमें सारे समीकरण को देखा जाएगा, जो लगता है कि और लीडरशिप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती, लीडरशिप यानी लीड, जो लीड करे, वन लीडरशिप इज टू क्रिएट लीडर्स। लीडरशिप वो होती है जो संगठन के लिए यहाँ पे स्ट्रांग लोग तैयार हों, जो विधानसभा के लिए स्ट्रांग लोग तैयार हों, नगर निगम के लिए स्ट्रांग लोग तैयार हों। तो उसका एक सतत प्रक्रिया है और वो चल रही है, और आप इस बार के चुनाव में देखेंगे यहाँ से लीडरशिप डेवलप होके आएगी। इरफान जी, हर किसी का एक गुरु होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, राजनीति में आपका गुरु कौन है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना सफलता नहीं। पर मेरा व्यक्तिगत ये जीवन का अनुभव है कि मैं दत्तात्रेय जैसे एक गुरु नहीं कई गुरु बनाने के मैं विश्वास रखता हूँ। और जब से आँख खुली, मैंने राजनीति में जो प्रवेश भी किया माननीय स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी से प्रभावित होकर, उनको देख कर, उन्हीं के जन्मदिन के दिन मैंने अपनी सदस्यता ली थी, तो पहले मेरे गुरु अगर बोला जाए तो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी। उनसे मैंने सीखा कि कैसे बड़े से बड़े पद में आने के बाद भी छोटे से छोटे व्यक्ति से कैसे शालीनता से बात की जाती है, पुराने पुराने लोगों से कैसे संबंध निभाया जाता है, बड़े ओहदों के पद पहुँचने के बाद भी छोटी बातों पे अपना दखल नहीं रखना है, उनको छोटे जो स्तर के या जिला या प्रदेश स्तर के कामों में अपना इंटरफेयर नहीं करना है, ये बड़ी सोच जो है ये मोतीलाल वोरा जी की रही। तो उनसे मैंने ये सीखा। दूसरा मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आज के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश भैया के साथ मैं उनकी बॉडी में पहली बार मैं प्रदेश सचिव बना, तो उनसे मैंने युद्ध करने की कला सीखी। मैं हमेशा कहता हूं कि भूपेश भैया से बड़ा योद्धा, राजनीतिक योद्धा कोई नहीं। जितनी तेज़ उनके ऊपर अटैक होगा उतने वॉर उभर के आते हैं, ये उनकी कला है। तो युद्ध करना, कैसे संघर्ष करना, अपने अपनी सोच के लिए, अपने मुद्दों के लिए कैसे आंदोलन करना, ये भूपेश बघेल जी से सीखा मैंने। फिर मेरा सौभाग्य रहा, मैं उस तत्कालीन सांसद और आपके गृह मंत्री श्री तामदास साहू जी के साथ मैंने बहुत समय बिताया, मैं उनका निर्वाचन अभिकर्ता भी रहा। तो मैंने उनसे सीखा कि 40 साल पुराना भी व्यक्ति कोई उनके पास आता है और ऐसी बात करता है जो उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है, लेकिन वो एक विश्वास और एक यकीन से उनके पास आया कि उनके पास आऊँगा तो काम हो जाएगा, और वो सरलता से साथ वो काम करते हैं। तो मैंने देखा कि पद आने के बाद भी कैसे सरल रह के पुराने संबंध निभाए जाते हैं, ये तामदास साहू जी से सीखा मैंने। संयम कैसे रखना, ये तामदास साहू जी सीखा मैंने। इसके आगे देखें तो चरणदास महन जी हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। वो केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पास लोगों के हुजूम रहता था, जब वो हार गए, बहुत कम मार्जिन से हारे, उसके बाद उनके पास कोई नहीं रहता था, तब भी वो एक जैसे रहते थे। और एक कबीरपंथी सोच के रहते हुए जिस तरीके से माफ़ करने की प्रवृत्ति उनके अंदर है, जो बड़ी सोच उनके अंदर है, तो माफ़ करने की प्रवृत्ति कैसे होती है और बुरे समय को कैसे काटा जाता है, ये मैंने चरणदास महन जी से सीखा। एक बहुत ही समृद्ध परिवार से, एक राजा के परिवार से आने वाले TS सिंहदेव बाबा, एक इतने बड़े परिवार से आने के बाद, पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ में श्रेष्ठ होने के बाद, कैसे संयमित रहना है, लोगों के साथ शालीनता से बात करना है, एक मिसाल है उसके TS बाबा। तो ऐसे हर व्यक्ति से मैंने सीखा और अपने आसपास के लोगों से भी, दोस्तों से, अपने साथियों से मैं सीखता हूँ। जिसमें जो अच्छा है मैं उससे ले लेता हूँ, और ऐसी लेते लेते, एक एक रुपये लेते लेते मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे। क्या अच्छा और कितना सटीक एग्जांपल और बात कही आपने। चुनावी चर्चा हमारे वैशाली नगर क्षेत्र की चल रही है, दावेदारी के लिए आपने भी आवेदन दिया है, यदि अगर बाय द वे टिकट नहीं मिलती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी?
जो कांग्रेस का संगठन का जो वाकई में निष्ठावान कार्यकर्ता है उससे ये सवाल पूछना ही नहीं है, क्योंकि उसका जवाब एक ही होगा, टिकट मिलेगी तो हम जीत के आएंगे और नहीं मिली तो जिसको मिलेगी उसको जिताएंगे। यही कांग्रेस की विचारधारा है, यही एक्चुअल में डिसिप्लिन होता है जो किसी भी संगठन में होना चाहिए। मैं उस डिसिप्लिन में काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा। नहीं, ऐसी चर्चाओं का दौर भी रहता है, जैसे हम पत्रकार हैं, हम चार छः एक साथ बैठते हैं तो पता चलता है टिकट के लिए जैसे किसी को नाखुश हुए, उनको सेटिस्फाई वो नहीं रहे तो आगे वाले के लिए वो गड्ढा तैयार करते हैं। क्या ऐसा ही है? मेरा ये मानना है कि आदमी की पहचान अनुकूल नहीं प्रतिकूल समय में होती है, तो प्रतिकूल समय में हमने अपना कैसा आचरण किया इससे हमारा चरित्र निर्धारित होता है। तो अगर परिस्थितियाँ मेरे अनुरूप नहीं भी रहीं तब भी मैं वही काम करूंगा जो बेस्ट हो सकता है संगठन के लिए, इस क्षेत्र के लिए, मेरे अपने साथियों के लिए, मेरे लीडर्स के लिए, तो मैं वही करूंगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा अपना कार्य साबित भी किया है लगातार, आप अब जिन जिन के नाम आपने गिनाए हैं उन सब के साथ आपकी बहुत अच्छी छवि भी रही है, कार्यप्रणाली आपने दिखाई है, बावजूद इसके हर बार आप पर अविश्वास कर लिया जाता है। अविश्वास विश्वास किया जाता है तभी तो मैं लगातार पदों में। टिकट को लेकर अगर कहें तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ राजनीति, देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके समझाता हूँ। दुर्ग भिलाई में 14 लाख की पॉपुलेशन है, 4 विधानसभा है, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई और वैशाली नगर, 170 पार्षद हैं और 50 संगठन के लोग हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, आम आदमी पार्टी और जोगी कांग्रेस मिला के। इन 220 लोगों में सिर्फ 4 ही तो विधायक बनेंगे, पांचवा तो कोई बनेगा नहीं। तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि राजनीति में महत्वपूर्ण बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लोगों का काम होना चाहिए, आपके क्षेत्र के लोगों का भला होना चाहिए, आप अच्छे अच्छे योजनाएँ अपने क्षेत्र में ला सकें, आप किसी परेशान हाल इंसान के दुख में शरीक हो सकें, उसके सहयोग कर सकें, तो ये राजनीति का महत्वपूर्ण। हम लोग समाज सेवा के लिए राजनीति में आए, हम लोग अपना घर भरने के लिए राजनीति में नहीं आए, ये मेरा विश्वास है। पारिवारिक रूप से हर आदमी अपने घर में सक्षम होता है, अगर हम राजनीति में आएँ तो देने आएँ और अपनी प्रतिभा से कितने लोगों का फायदा हो जाए, अपने क्षेत्र का, अपने पार्टी का, अपने प्रकृति का, आसपास के लोगों का, अपने प्रदेश का, तो ये यही मेरी भावना है, मैं इसी तरीके से काम करता रहूँ। बहुत अच्छी भावना है इरफान जी आपकी। अब हम प्रदेश की राजनीति की चर्चा करना चाहेंगे थोड़ा सा, वो अब ईडी और आईटी की जो कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री ने कल ही दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता भी ली है और काफ़ी हुंकार भी भरा है केंद्र सरकार की ओर से, उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई है। इस कार्रवाई को आप क्या मानते हैं, जो ऐन चुनाव का चंद महीने ही है और ये कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? हम क्या देखते हैं, पूरी जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ रही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये इसलिए हो रही है कि हर तरीके के जो सर्वे हो रहे हैं उसमें भूपेश बघेल जी की सरकार जो है वो बहुत मजबूती से काम करते हुए जो आगे आई है वो पुनः रिपीट हो रही है। और जो भूपेश बघेल जी ने ये जो स्लोगन दिया है आपके बार 75 पार, वो सिर्फ स्लोगन नहीं है, उसके पीछे एक यथार्थ में एक सोची समझी उनकी प्लानिंग है, उनका विश्वास उनके कार्यों पे है, उनके उसका जनता जो है उसका उनको सहयोग और जवाब देगी। तो ये सब लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अब ऐसी स्थिति में जैसे जब दो बॉक्सर लड़ते हैं ना, जब एक कमज़ोर होने लग जाता है और जब समझ में आ जाता है मैं दूसरे बॉक्सर को नहीं हरा सकता तो बिलो द बेल्ट मारता है। तो ये जो ईडी और आईटी और ये सारी जो कार्रवाई जो हो रही है ना, ये तो बिलो द बेल्ट मारने की तरीका है। आप स्वयं नहीं लड़ पा रहे हैं, ना आपके नेता लड़ पा रहे हैं, ना आपके पास मुद्दा है, ना तो आप ऐसी एजेंसीज को लगा के आप किसी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता सब देख रही है, जनता को मालूम है कि ये सारी परेशानियाँ जो ये सारी जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ये विचलित हैं, ये परेशान हैं, इनको मालूम है कि इनकी ज़मीन सरक चुकी है और भूपेश बघेल जी दोबारा यहाँ पे पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसी वजह से सारी कार्रवाई हो रही है। इरफान जी, एक बड़ा फनी सा सवाल है, जैसे किसी बच्चे को भूख लगती है, माँ दूध देने के बजाय छोटा सा शहद चटा देती है, ये तो एग्जाम्पल था, और अभी जो हाल ही में प्रदेश सचिव की बनाया गया आपको पुनः दोबारा, तो क्या लगता है, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है या देखा जाता है कि जब किसी को कोई ये टिकट नहीं देना है तो एक पद थमा देता है? देखिए, आपके सवाल में जवाब है, माँ किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करती। तो अगर एक उपमा आपने संगठन को दी है, लीडरशिप को दी है माँ की तरह, तो उनको मालूम है कि किसको कहाँ पहुँचाना है। और मेरा ये विश्वास है कि ये जिसको बोलना चाहिए शहद जो चटाने की बात नहीं है, ये उन्होंने मेरी क्षमता को देखते हुए मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मैं जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ। और टिकट मिलना नहीं मिलना ये सब भाग्य की बातें होती हैं, समीकरण होता है, जैसा भी वातावरण आगे होगा मैं अपनी सकारात्मक योगदान देने का कोशिश करेंगे। कम शब्दों में बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। इरफान जी, मैं जानना चाहूँगी कि 67 लोगों ने दावेदारी के लिए अपने आवेदन दिए हैं, पार्टी को दावेदार चुनने के लिए टिकट देने के लिए क्या मापदंड रहेंगे?
मापदंड तो पार्टी ने तय कर रखे हैं, पुराने उनके इतिहास को देखा जाएगा कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया, कब से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कभी वो पार्टी के खिलाफ गए हैं कि नहीं गए हैं, अनुकूल और प्रतिकूल समय में उनके आचरण क्या रहे हैं। मेरा ये मानना है, ये बहुत जिम्मेदारी से मैं एक बात कह रहा हूँ, कि सक्षमता होना बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति सक्षम है बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हमारे लिए कितना समर्पित है, कितना लॉयल है। क्योंकि सक्षम तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो युद्ध में महाभारत के समय में अपोजिट साइड से खड़े थे, तो ऐसे लोग जो जीते भी और जीतने के बाद पाला ना बदलें, ना उनको बीजेपी खरीद पाए, ना उनको भ्रमित कर पाए, उन लॉयलिस्ट जो सोच है उसको भी मापदंड के तरीके से कांग्रेस देखेगी। ऐसे लोगों को चुन मौका दिया जाएगा जो वाकई में पार्टी के लिए समर्पित हैं, जो चाहे अच्छे समय हो चाहे बुरा समय हो कांग्रेस के साथ खड़े रहें, ये मेरा सोचना है। काफ़ी अच्छा जवाब कम शब्दों में आपने दिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है ग्रैंड एशियन के दर्शकों को कि राजनीतिक पार्टी बहुत सारी हैं, राजनेता कई आएंगे, पर आप एक अच्छा मतदाता बनिए, अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोग चुने जाएंगे तो अच्छे वातावरण बनेगा, राजनीतिक वातावरण बनेगा, और अच्छा वातावरण बनेगा अच्छा विकास होगा, और जिसमें हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारी आने वाली जनरेशन रहेंगी। तो मेरा आपसे कहना है, अच्छे नेता को मत ढूंढिए, आप अच्छे अच्छे मतदाता बनिए, आपकी आपके क्षेत्र की विकास ज़रूर होगा। इरफान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने का, चुनावी चर्चा का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे। तो दर्शकों, चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ थे इरफान खान जी, जी हाँ, प्रदेश सचिव पुनः दोबारा बनाए गए हैं, इसके लिए बधाई भी हमने उन्हें दी है। लगातार हमारा चुनावी चर्चा में चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी रहेगा, और आगे मेहमानों के साथ हम आपको तारुफ कराएंगे और चर्चा करवाएंगे। तब तक के हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़।